पंजाब दी धरती गुरुआं पीरां फकीरां अते ऋषियां मुनियां दी धरती है। इस धरती थी समय समय दुनिया दे दुखां नूं दूर करन लई देवी देवते समाज विच अवतार धारदे हन। अजिही ही महान शख्सियत सन आदरणीय वीना देवा जी। आप जी दा समुचा जीवन सबना लई प्रेरणा स्रोत रहा। हमेशा मां दे चरणां विच अपना ध्यान लाई रखना अते अपने भगतां दी समय समय ते लाज रखनी आप जी दा मुख फर्ज सी। जो कोई भी भगत उन्हां नूं अपना दुख दसदा आप हमेशा ही उसका दुख कटदे सन। अजिही महान शख्सियत दी याद विच एक धार्मिक समागम देवा जी दे समूह भगतां वल्लों श्री सत्यनारायण मंदिर SD कॉलेज रोड जलंधर विखे करवाया गया। इस मौके पंडित जी वल्लों आदरणीय देवा जी दे जीवन उपर चानना पाया अते समूह भगतां नूं उन्हां दे दर्शाए मार्ग उपर चलन दी सिख्या दित्ती। देवा जी हमेशा ही परमात्मा दे पाणे विच अते सबना नूं परमात्मा दे दर्शाए मार्ग उपर चलन दी सिख्या दिंदे सन। आप जी दी अपने भगतां ते इन्नी अपार कृपा सी के आप जी दे भगत देश दे नाल नाल विदेशां दी धरती उपर वी देवा जी दी मान मर्यादा विच रहे रहे हन अते उन्हां दे नाम नूं उच्चा चुक रहे हन। जिथे आप जी दी अपने भगतां दी अपार कृपा सी उत्थे ही आप जी दी अपने समूह परिवार जिन्हां विच श्री कृष्ण लाल सेठ जी श्री राधेश्याम सेठ जी श्री जय गोपाल सेठ रीना सेठ हेमा सेठ सिमी बेरी अश्विनी बेरी अमित सियाल मीनाक्षी सियाल गोपिका गौरव रोहित रोहन लविश शिवम प्रांजल आकाश इन्हां ते वी देवा जी दी अपार कृपा बरस रही है अते आप जी दा समूह परिवार देवा जी दे पाणी विच रह रहा है अते उन्हां दे दर्शाए मार्ग उपर चल रहा है। सुनावे होवे जत पूरण का चित में
आप जी दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती वी संगतां तों इलावा टंड फैमिली, सेठ फैमिली, बेरी फैमिली, सियाल फैमिली, जौली फैमिली, सूरी फैमिली अते होर कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते कुछ शख्सियतां वल्लों आदरणीय श्री बीना देवा जी दे कीते कम्मां नूं याद करदे हुए उन्हां दे समाज भलाई दे कीते कम्मां नूं याद करदे हुए उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। उनसे हमें मिलता है। दोनों बेटियां सिमी और मीनाक्षी और दोनों दामाद अश्विनी बेरी जी और अमित सियाल जी, जिनका समाज में बहुत ही प्यार है, और सियाल परिवार और बेरी परिवार जो इस शहर में गणमान्य परिवार के में जाते हैं, और इस सेठ परिवार ने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, वो सब हम महसूस कर रहे हैं। आज मां बीना देवा जी सागर में चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा ही साढ़े मन में रहेगा। बेशक अज शरीरी तौर पर सानू छड़ के चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद उनका यादा सालों साल तक साढ़े मन में रहेगा। एक ऐसी मां जिन्हें परिवारी खोते हुए जिथे अपने बच्चों को आशीर्वाद दिता, अपने बेटियों को बेटी को वो के समाज के हर वर्ग को, भावे कोई बच्चा सी, भावे कोई छोटा सी, भावे कोई बड़ा सी, देवा मां का आशीर्वाद उनके सिर पर हमेशा ही है। बहुत ही कठोर चलता है, पर कुछ अजिहा रोहां होंदिया हन जो समाज दे विच आ के अपने जान तो बाद भी अपना जीवन छड़ के जाते हैं। उन्होंने रूहों के साथ महान माता जी, माता बीना देवी जी, उन्होंने भुलाना असंभव है ही, पर मैं समझना कि उन्हें जान उन्होंने जान तो बाद भी उन्होंने कदमों की पूजा की जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन गृहस्थी के रह गया, क्योंकि दुनिया के अजे तस्पर्शी आए जिन्होंने घर बार भी त्याग दिता, पर गृहस्थी के रह के तप करना और दूसरों महामारी के नाम के नाम न जोड़ना यह बहुत घट गुआ होती है। बाणी में लिखा जो आया सो चल सी सब कोई आई वाली है, बस कुछ इंसान कुछ शिक्षित इस धरती के योजना रूह आदि उस दिवी खाली अमर होंगे, जिस तरह साढ़े बीना भैन जी देवाई ने कीर्तन करके संतान कहते रोज परमात्मा के कितने गुण गाने के कीर्तन हो जिहड़ा 10 बार जाऊगा या 20 बार जाऊगा कोई ऐसा जो वक्त भी होता वह इंसान की जी सोच जी है चंगे पास लग जाती है। सो देवा जी ने बहुत ज्यादा रूहां उस परमात्मा के चरणों के नाल जोड़िया, ये सारे हमेशा असी भावें वो साडे कोल असली जामे दे विच जा सीरत तौर ते सानू छड़ के चले गए, पर उन्हां दी जिहड़ी मिठी याद साडे सारयां दे दिलां दे विच हमेशा याद रहेगी। छोटी सी कविता है मां, वह कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। माँ क्या होती है इस छोटी सी शब्दों में कहूंगा, अक्षरों की गहराई में जाइएगा। एक कवि ने लिखा है, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या मिलती है, माँ की गोद मिलती है। तो कवि लिखते हैं, जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा
फूलों सा खिलता था, उसकी स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। माँ की स्तन से ही बच्चे की परवरिश होती है। हाथों से बालों को लोचा, जब छोटा बच्चा गोद में होता है तो माँ के बालों को लोचता है। हाथों से बालों को लोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, लेकिन फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आपका तारा कहती थी, मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी, मैं बनू बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को बबर चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी रागों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्रेम का ले आया। कवि कहता है मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्रेम का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो राम कली को दे आया। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गया। हम भूल गए उसकी ममता, मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए वह, अब भूल गए अपना जीवन, वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वह खुद भूखा रहकर हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने भी होठों को भाषा सिखलाई थी, हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर जाग जाग कर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा था समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन छोड़ाए, घर में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, घर में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक भी छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक भी ले आए, हम